Impressive. Excellent work. Not a problem. Hey guys, आ चुके हैं नए वीडियो के साथ वापस। तो कैसे हो यार आप सभी लोग, उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। सो आज के इस वाली वीडियो में मैं आपको कुछ TDM टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाला हूँ, जिसके मदद से आप 1v1 फाइट को आराम से TDM में जीत सकते हो। सॉरी, मैं दिखाने नहीं वाला, दिखाने वाला है ओनली वन, जो कि एक बहुत ही अच्छा कस्टम प्लेयर है, पेड कस्टम वगैरह हमेशा खेलता रहता है, T1 T2 और अच्छे अच्छे बड़े बड़े कॉम्पिटेटिव प्लेयर जैसा ही खेलता है। लाइक जोनाथन स्काउट जैसा नहीं खेलता, लेकिन अच्छा खासा खेलता है। और वैसे वो TDM में परितोष को भी हरा चुका है। लाइक मेरी नज़र में तो बहुत अच्छा प्लेयर है। वो कस्टम कैसे खेलता है वो मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग 10K के बहुत ज़्यादा करीब है, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। और ओनली वन का चैनल का लिंक मैंने वीडियो का डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, उसका भी 4K प्लस सब्स है, तो उसे भी ज़रूर से सपोर्ट करना और ये वीडियो एंड तक देखो, उसके बाद ही जाकर उसको सब्सक्राइब करना, ठीक है। अब आप लोग देख लो ओनली वन कस्टम रूम में कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है। फिर आते हैं टिप्स एंड ट्रिक्स के ऊपर। सबको फिनिश कर दिया, लास्ट बंदा ओनली वन बचा है। ओनली वन यहाँ पर क्या करता है वो देखने वाली है। ओपन में पूरा लूट रहे हैं आराम से, यहाँ पर स्पाइडी और शॉट लिया, स्पाइडी को नॉक कर दिया, फिनिश भी करने की कोशिश करेंगे ओनली वन और स्पाइडी को यहाँ फिनिश कर दिया गया। बिल्कुल ओनली वन का प्यारा स्प्रे और यहाँ पर एक बंदा और नॉक। तबाही आगे आते हुए नजर आ रहे हैं, लेफ्ट से फ्लैंक करने की कोशिश तबाही की, यहाँ पर और एक शॉट लिया गया और एक बंदे को यहाँ नॉक किया। तो मुझे लग रहा है थोड़ी सी मुश्किल में आ सकती है यहाँ पर ओनली वन। वन हैंडेडली अपने टीम को जितना किल दे सके दिखाई दे रहा है और एक बंदे को यहाँ नॉक कर दिया। भाई ये बंदा 1v4 क्लच करने की कोशिश करेगा, मुझे तो लग रहा है। तीसरे बंदे को भी यहाँ पर निकालिए, इंडियन ड्रीम्स भाई ओपी बोलती, ये तो भाई दिखा रहा है कि ब्रो 4 को ले लो यार, तब होगा कुछ, 3 को लेके कुछ नहीं होगा, क्योंकि तेरा बॉस यहाँ खड़ा है और यहाँ पर इन योर ड्रीम दिखा रहे हैं कि क्या करता हूँ मैं। ये सब होता है गेम और मैं दिखाता हूँ तुम लोगों को गेम खेलना। तो यहाँ पर 3 किल निकाल लिया बहुत प्यार से इन योर ड्रीम के बंदे ने, और भाई दिल तो जीतते हैं हमेशा की तरह सामने जा चुका है रूम में, बंदे एकदम बैठे हैं। तब भाई देखते हैं, यहाँ पर 2 किल जरूर निकाला है, लेकिन इसके बाद वो कोशिश करेगा भाई ज्यादा किल्स निकाले अपनी टीम के लिए और यहाँ पर कैंप करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तब भाई वो अब नहीं निकलने वाला आगे, ये पक्की बात है। यहाँ पर आ चुका है मारने के लिए और यहाँ पर मारा है और 1v4 क्लच बोलती पब्लिक, इसको बोलते हैं नॉक नॉक तेरा बाप आया है। बिल्कुल यही होता है भाई, ओनली वन इज गॉन है। बॉय आई फीजी की स्टार्ट हो गई है, वहां मारपीट और फीजी। बिल्कुल 7 किल निकाला है इन बंदों ने और ये बंदे ना जाने जाते हैं अपने एग्रेसिव गेम प्ले के लिए। और वही यहाँ पर दिखा रहे हैं एसएक्स माफिया भी शॉट लिया, कि माफिया को इसने देख लिया था और माफिया बी अवेयर, क्योंकि ओनली वन ने आपको देखा है। तो भाई ओनली वन यहाँ पर नहीं बचेगा और यहाँ माफिया को भी खत्म करते हुए निकाल दिया शेषक कॉल के बाहर। और ट्रिप पे खतरनाक नो स्कोप का स्प्रे और ट्रिप को यहाँ पर भेजते हुए पवेलियन में। भाई ये क्या कर रहा है, ये बंदा क्या कर रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा। भाई खतरनाक स्प्रे दिया यार, कहाँ मार रहे हो, स्ट्रेंजर आ चुके आपके सामने। और स्ट्रेंजर भाई इससे मत लगो, ये बंदा नहीं छोड़ेगा, बहुत डेंजरस प्लेयर, थोड़े से आराम से रहना पड़ता है यहाँ पर, बट स्ट्रेंजर ने गलती कर दी। आप आई होप आपको ओनली वन का परफॉर्मेंस अच्छा लगा होगा, आप TDM में उसका परफॉर्मेंस देख लो, ठीक है। मतलब वो टिप्स एंड ट्रिक्स लगा के मेरे को कैसे मार रहा था जरा देखो, ये जो डब्बे के पास छोटा सा गैप रहता है वहाँ से मेरे को मार दिया। मतलब इस ट्रिक को आप अप्लाई कर सकते हो और अपने एनिमी को अच्छे तरीके से धराशाई कर सकते हो। अब नेक्स्ट ट्रिक्स देखो, मैं नॉर्मली आ रहा था और इसने यहाँ पे मेरे को प्री फायर दिया और यहाँ पे मैं फाइट नहीं लग गया, ये मेरे को छोटा सा पिक देके पिक कर करके मेरे को मार दिया। इस ट्रिक को भी आप अप्लाई कर सकते हो लेफ्ट राइट पिक करके और मेरे को एनिमी को धारा से कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ये जो ट्रिक है गाइस, ये ट्रिक को आप ध्यान से देखो, मेरे को आधा आधा डैमेज कर दिया, मैंने भी थोड़ा सा डैमेज किया, अब मेरे को पैनिक करके ऊपर से आके मेरे को मार दिया। मतलब देख ही सकते हो आप, इस ट्रिक को भी आप काम में लगा सकते हो। और ये गाइस बोनस टिप, ठीक है, इस ट्रिक को भी आप काम में लगा सकते हो। मैं नॉर्मली आ रहा था सामने से, ये मेरे को ऊपर चढ़ा और अचानक से धराशाई कर दिया मेरे को, मतलब सरप्राइजली बोला कि मैं खलनायक हूँ। अब नेक्स्ट ट्रिक जो है उसमें भी ये खलनायक बनने वाला है गाइस, देखो ये जो आया और ये यहाँ पे आके मेरे को धराशाई कर दिया और बोला कि मैं फिर से खलनायक हूँ। ये डब्बे वाला ट्रिक भी आप अप्लाई कर सकते हो और अपने एनिमी को इसी तरीके से धराशाई कर सकते हो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक, और ये ओनली वन का भी क्रॉस ईयर देखना, ठीक है, ये जो क्रॉस ईयर है ध्यान से देखो इसको, आई होप आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा। अब ये वाला देखो गाइस, ये जो 1v1 फाइट है मेरा ओनली वन का, ये ध्यान से देखना, ठीक है। देखो
देखो अभी जो मैंने एक शॉट मारा वो था एक हेडशॉट, और एक हेडशॉट से बंदे को मतलब ओनली वन को कितना डैमेज हुआ ज़रा देखना ठीक है। मतलब मैं पहले ओनली वन को डैमेज दे दिया और इसका हेल्थ अभी रिकवर हो रहा है। अब देखो मैं जो सामने से एक शॉट मारा और ओनली वन धराशाई हो गया। अब इस मैच में ओनली वन का क्रॉस हेयर देखना ठीक है। ये जो मेरे को ये जो फर्स्ट हेड लगा और जो सेकेंड हेड लगा मैं धराशाई हो गया। तो इस क्लिप में ओनली वन समझाना चाह रहा है मतलब बंदे का हेड जहाँ से निकलेगा क्रॉस हेयर आपका वही होना चाहिए, मतलब क्रॉस हेयर प्लेसमेंट एकदम सही होना चाहिए, और जैसे जिसका सबसे पहले हेड लगेगा वही इस मतलब वन वी वन फाइट को जीतेगा। इस चीज़ को आप स्लो मोशन में ध्यान से देख लो, ये टिप आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा लेकिन आपको इसे प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप की ओर, और इस ट्रिक को आप ध्यान से देखो, अब इसको आराम से समझ जाओगे मेरे को कैसे ये बंदा मेरे को मार रहा ठीक है। मतलब पहले जंप किया, जंप करके मेरे को डैमेज किया, फिर उसके ऊपर चढ़ के मेरे को पैनिक करके मार दिया, मतलब मैं रिलोड कर रहा था और मेरे को आराम से मार दिया। ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और इस ट्रिक में मैं सामने स्प्रे दे रहा था और ये पीक कर करके मेरे को डैमेज दे के अंदर आ रहा था, और इस ट्रिक को भी आप काम में लगा सकते हो। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा मतलब हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर, और ये ट्रिक भी कुछ हद तक रिलेटेड है उस ट्रिक की तरह। मतलब इस ट्रिक में आपको पीक नहीं करना ठीक है, मतलब डैमेज देना है अंदर आना है। पीक करोगे तो मैं आराम से ओनली वन को मार सकता था अगर ये ओनली वन पीक करता तो, लेकिन मैंने मतलब ओनली वन ने पीक नहीं किया, मतलब डैमेज दे रहा था अंदर आ रहा था। और जंप करके भी आप इसको मतलब इस ट्रिक को अंजाम दे सकते हो, और ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी वन वी वन फाइट में जीतने के लिए। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रिक की ओर जो कि है लास्ट ट्रिक। तो ये ट्रिक ऑलमोस्ट बहुत सारे बंदों को पता होगा, मैं यहाँ पे सामने जा स्प्रे दे रहा था और ये इस गैप से मेरे को ओनली वन ने मार दिया। मतलब मैं वहाँ पे फ्री फायर दे रहा था, मेरे को लगा कि जंप करके मारेगा लेकिन इस डब्बे के गैप से मेरे को वहाँ पे मतलब मार दिया। ये ट्रिक भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है वन वी वन फाइट में जीतने के लिए। तो आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ ये शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और ज़रूर से ओनली वन का चैनल चेकआउट करना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और हो सके तो मुझे इंस्टा पे भी फॉलो कर लेना, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका भी है। और किसी को ओनली वन से वन वी वन करना है टीडीएम में तो उसका भी लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसे जाके आपको मैसेज करना है तो वो भी ज़रूर रिप्लाई देगा अगर टाइम हुआ तो आप भी मतलब आप भी उसके साथ वन वी वन टीडीएम कर सकते हो। और बंदा बहुत ज़्यादा मेहनत करता है तो ज़रूर से उसे सपोर्ट करना। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।